नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ मनोज चौहान। और बेरोजगार युवाओं का एक तरफ शहीद स्मारक पर शांतिपूर्वक धरना चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है, तो वहीं उत्तराखंड कांग्रेस पार्टी का सचिवालय कूच है। सामने मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, ये तमाम कांग्रेस के नेता सचिवालय की ओर कूच कर रहे हैं। इनकी मांग है कि जितने भी उत्तराखंड में भर्ती घोटाले हुए हैं उनकी सीबीआई जांच हो और सीटिंग जज की निगरानी में वो सीबीआई जांच हो। जो युवाओं के साथ लाठी चार्ज हुआ उस लाठी चार्ज पर भी कार्रवाई हो, जो लोग दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो, जो युवाओं पर मुकदमे हुए हैं उन मुकदमे को वापिस लिया जाए। ये तमाम कांग्रेस के साथी आप देख रहे होंगे, ये कांग्रेस की ओर बढ़ रहे हैं, आगे की ओर बढ़ रहे हैं कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता। और सामने आगे दिखाने की कोशिश करूंगा तो पुलिस ने आगे बैरिकेड्स लगाए हैं। कांग्रेस के नेता सचिवालय की ओर कूच और महिला कांग्रेस एनएसयूआई समेत तमाम। मैडम सचिवालय कूच कर रहे हैं आज, किन मुद्दों को लेकर सचिवालय कूच कर रहे हैं? देखिए, जिस तरह से हमारे युवाओं की आवाज दबाई जा रही है, जिस तरह से 50 सालों का बेरोजगारी का आंकड़ा इनके कार्यकाल में टूट गया है, बेरोजगारी ने सुरसा का रूप ले लिया है, ये दंश आज उत्तराखंड को खाए जा रहा है। एक तरफ कोरोना की महामारी, दूसरी तरफ महंगाई, तीसरी तरफ बेरोजगारी, युवा सड़कों पर ना उतरे तो क्या करें? पहली गलती इन्होंने करी आधी रात को युवाओं को जबरन उठाने की, और दूसरी गलती ये करी युवाओं पर लाठियां भाजने की, और तीसरी गलती ये करी युवाओं पर क्रिमिनल धाराएं लगाने की। कितने शर्म की बात है, कितने शर्म की बात है कि जो युवा अपना हक मांगने, अधिकार मांगने के लिए सड़कों पर उतर रहा है उसके साथ आप लोग बर्बरता कर रहे हैं। उसके सामने तो अपना अच्छा जीवन स्तर सुधारने का, अपने परिवार के भरण पोषण का एक चुनौती है। क्या करेगा युवा, किसके सामने जाकर रोए, अपना दिल का हाल बताए? यदि सरकारें जनता के लिए होती है तो फिर यहाँ की सरकार कहाँ गायब है? सीबीआई जांच सरकार नहीं करवाती है तो कांग्रेस किस तरीके से इस आंदोलन को आगे बढ़ाएगी? हम लगातार आंदोलनरत रहेंगे। माननीय अध्यक्ष जी ने आह्वान किया था 7 दिनों का, आज हमारा अंतिम दिन है केवल इस धरना और पुलिस मुख्यालय कूच का, लेकिन आगे की रणनीति हम समय काल और परिस्थिति के हिसाब से निर्णय लेंगे और उसी हिसाब से सड़कों पर उतरेंगे। आप देख सकते हैं तमाम कांग्रेस के नेता है जो सचिवालय कूच की ओर कूच कर रहे हैं। और अभी आप देख रहे होंगे करण मेहरा, यानी कि प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा, एक मिनट, सचिवालय से पहले पुलिस ने बैरिकेड्स लगाया है और उससे पहले प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा के नेतृत्व में ये लोग सचिवालय कूच कर रहे हैं। पुलिस ने सचिवालय से ठीक पहले बैरिकेड्स लगाकर कांग्रेसियों को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। अभी आप तस्वीरों में देख रहे होंगे करण मेहरा, प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा को कंधे पर उठा के आगे की ओर कूच किया जा रहा है। करण मेहरा अब बैरिकेड्स की तरफ बढ़ रहे हैं, पुलिस उनको रोकने का प्रयास कर रही है। तो तमाम कांग्रेस के
भैया कहाँ कहाँ चले गए, इधर आओ ना, कहाँ चले गए? आओ इधर को, दिखाते चलो उधर को। तो तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता सचिवालय कूच कर रहे हैं और सचिवालय से पहले पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर इन सभी नेताओं को सचिवालय से पहले रोक दिया है। और करण मेहरा को आप जैसे देख रहे होंगे, प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा बैरिकेड्स में जाकर आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पुलिस इन सभी नेताओं को समझाने की कोशिश कर रही है। सबकी एक ही मांग है कि इन पूरे जितनी भी भर्ती धांधली हुई है इनकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। बैग बैग में इधर को आना, बैग बैग में। हाँ
हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मथुरादास जोशी जी भी हैं। सचिवालय कूच कर रहे हैं सर, किन मांगों को लेकर सचिवालय कूच कर रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से बेरोजगारों के, निहत्ते बेरोजगारों के ऊपर सरकार ने लाठीचार्ज किया, उनके ऊपर अपराधी धाराओं में मुकदमे किए गए, उनकी मुकदमे वापस लेने के लिए और जो पेपर लीक हुआ है उसकी सीबीआई जांच और हाईकोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में जांच कराने संबंधित मांगों को लेकर कांग्रेस का यह सचिवालय कूट है। और ये आज सातवां दिन है, आपने देखा होगा 7 दिन तक लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आंदोलन किया, युवक कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवादल, एनएसयूआई और कांग्रेस के हमारे वरिष्ठ लोगों ने सब आंदोलन किया। आज ये अंतिम दिन था, इसके बाद हमारा दूसरे चरण का आंदोलन शुरू होगा और कल हमने शिवालय में शिवरात्रि के दिन शिवालय में जाकर सरकार की सद्बुद्धि के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से कहा कि बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक जलाभिषेक करेंगे और भगवान शंकर से प्रार्थना करेंगे कि इस निकम्मी सरकार को सद्बुद्धि दे, इस युवा विरोधी सरकार को, गरीब विरोधी सरकार को, महिला विरोधी सरकार को सद्बुद्धि देने की कृपा करेंगे, ये हम भगवान से प्रार्थना करेंगे। जल्द सीबीआई जांच नहीं होती है तो कांग्रेस किस तरीके से अब निश्चित रूप से, अगर सरकार ने सीबीआई जांच नहीं की, हम नए सिरे से फिर आंदोलन की शुरुआत करेंगे। आज ये सातवें दिन था, ये प्रथम चरण का आंदोलन है, उसके बाद शिवरात्रि के बाद और हमारा अधिवेशन है 24, 25, 26 रायपुर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का अखिल भारतीय अधिवेशन है, उसके बाद फिर हम वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठकर सलाह मशवरा करेंगे और नए सिरे से द्वितीय चरण का आंदोलन सरकार के खिलाफ शुरू करेंगे। तो आप देख सकते हैं कांग्रेस के तमाम लोग हैं, उनका कहना है कि सीबीआई जांच को लेकर वो ये मांगे कर रहे हैं, अगर मैं उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो शिवरात्रि के दिन से जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता हैं वो शिवालय में जाकर जलाभिषेक करेंगे सरकार की सद्बुद्धि के लिए। ये देख, एक बाइट दे दो, आज बदल दो, एक बार फिर से जो है प्रदर्शन चल रहा है, लाठीचार्ज हुआ, मोहन कुमार यहाँ हालांकि बेल भी हो चुकी, कई कुछ से सरकार ने की लेकिन लगता है नाकाम रही है सर। सरकार बुरी तरीके से नाकाम है, कल इनके बड़े ऑफिसर जो किसी मर्डरर के उसमें भी नहीं आते, जो किसी बलात्कारी को सजा दिलाने के लिए कोर्ट में उपस्थित नहीं होते, इन छोटे बच्चों को गिरफ्तार कराने के लिए 307 लगाने के लिए जीडी जैसे बड़े ऑफिसर कल कोर्ट में उपस्थित थे। मैं उन महान अधिवक्ताओं को, खासकर जो युवा साथी इसमें पैरवी कर रहे थे, उनको बधाई धन्यवाद देना चाहता हूँ तथा कोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने न्याय किया और हम कानून पे और न्याय पे भरोसा करते हैं। इस राज्य में युवाओं का भविष्य अंधकारमय है, उसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। आज सातवां दिन कांग्रेस को आंदोलन करते हुए हो गया है, अब हम शिवरात्रि के दिन जलाभिषेक करके अंकिता मर्डर केस के वीआईपी का नाम उजागर हो, इसके लिए शिव से प्रार्थना कर रहे हैं तथा इस नकल में जो वीआईपी मदद कर रहे थे हकम सिंह और अपने मंडल अध्यक्ष बीजेपी की, उन आकाओं का, उन सफेदपोश नेताओं का नाम उजागर हो, इसके लिए भगवान शिव से प्रार्थना कर रहे हैं। उसके बाद हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा जो हमारी गांव-गांव तक जा रही है, उसमें हम बेरोजगारों के मुद्दे को शामिल करते हुए इस पूरे घटनाक्रम के लिए लोगों को, जनता को जागरूक करने का काम गांव-गांव जाके करेंगे। और पीछे गांव दिखा दिखाते Thank you.
यहीं पे से आगे जाते हैं यहाँ पर। तो ये तमाम कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता हैं जो सचिवालय कूच कर रहे हैं। उनका कहना है कि 7 दिन तक उन लोगों ने प्रदर्शन कर, आज अंतिम दिन है और इन लोगों का आज सचिवालय कूच है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा का कहना है कि अगर मैं सरकार नहीं चेतती है जिन्होंने लाठी चार्ज की है, उसकी जांच और उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने युवाओं पर लाठी चार्ज किया है। साथ ही उनका कहना है कि जितने भी भर्ती घोटाले हुए हैं उनकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और जो युवा है उनको उनके हक की नौकरी मिलनी चाहिए। साथ ही अगर मैं सरकार जल्द इनकी मांग पूरी नहीं करती है तो फिर शिवरात्रि के दिन ये सभी लोग मंदिरों में जाकर शिव को जलाभिषेक करेंगे ताकि सरकार को सद्बुद्धि मिल सके। अभी के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी और खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Thank you.